पिछले 3 दिनों से उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश हो रही है। इस दौरान पहाड़ों में भूस्खलन के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगले कुछ दिनों में भी बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया। इस समय पहाड़ की चट्टान दरकी, उस समय वहां कई लोग मौजूद थे जो समय रहते पीछे हट गए। इसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। रास्ते पर पहाड़ का मलबा गिरने से लोग सड़क के दोनों किनारों पर फंस गए। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाया, जिसके बाद आवाजाही के लिए रास्ता बनाया जा सका। इस बीच हिमाचल प्रदेश में 6 दिन का अलर्ट जारी किया गया है और पर्यटकों को हिमाचल न आने की सलाह दी गई है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहां चौराहे तालाब में तब्दील हो गए हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों में गड्ढे बन गए हैं। बारिश के पानी से सड़कें डूब गई हैं। मंडला के ही घुघरी विकास खंड के ग्राम पंचायत खमरिया के बाकल नाला में 7 लोग बाढ़ में फंस गए। बताया जा रहा है कि ये लोग मछली पकड़ने गए थे, तभी अचानक बाढ़ आ गई। इन लोगों को स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भारी बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस दौरान यहां झांसी से पिकनिक मनाने आए 6 लड़के लड़कियां बीच टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही पर्यटन पुलिस और बोट क्लब के लोग मौके पर पहुंचे और टापू पर फंसे सभी 6 लोगों का रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। तेज बारिश के बाद पंचकुला में भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। यहां झमाझम बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में हुई कुछ देर की बारिश ने तमाम सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी। मुनिरका में सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इस दौरान जल जमाव के कारण इस रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल हो गया। कई गाड़ियां जल जमाव में डूबने के कारण खराब हो गईं। दूसरी तस्वीर आउटर रिंग रोड के IIT फ्लाईओवर के पास की है, जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश जारी रहेगी, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।